भाई के सामने भांजी ने ईंट से कुचलकर मामा की निर्मम हत्या कर सनसनी फैला दी। पैसों के लेन देन में दिनदहाड़ी घटना को अंजाम दिया गया। घटना थाना कुरावली थाने के सामने की है। यहाँ मोहल्ला कुंवरपाल निवासी बसंतपुर लाल बहादुर का उसके बहनोई राजेश पुत्र राम किशन से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत गुरुवार की दोपहर उसकी मां शकुंतला थाने पर करने आई थी। जिस संबंध में पुलिस ने राजेश व बसंत दोनों को थाने पर बुलाया। थाने से निकलकर जा रहा बसंत जैसे ही थाने के सामने जीटी रोड किनारे स्थित पूर्व चेयरमैन किशन लाल वर्मा की कोठी के पास पहुंचा, तभी उसके भांजे शिवम व धर्मेंद्र पुत्र राजेश ने उसको घेर कर ईंट पत्थरों से उसका बेरहमी से सर कुचल दिया और मौके से फरार हो गए। जानकारी होते ही आसपास में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बसंत को सीएचसी कुरावली पर भर्ती कराया, जहां से उसको रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही बसंत ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक बसंत की पत्नी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 5 नामजदों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार अभियुक्त की तलाश के लिए पुलिस द्वारा दबिशें दी जा रही है। हत्या को लेकर एसपी अजय कुमार ने बताया कि लगभग 1 लाख रुपए के लेन देन को लेकर मृतक व उसके भांजे सहित बहनोई से उसका विवाह चल रहा था, जिसका लेके चलते बसंत की उसके भांजे ने हत्या की है। मृतक की पत्नी ने 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, जिनमें से 4 को हिरासत में ले लिया गया है व फरार की तलाश जारी है। जनपद मैनपुरी का है। इसमें आज एक व्यक्ति को उसके सगे भांजे ने ईंट से पीछे से सिर पे वार कर दिया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। सीएचसी कुरावली के बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक बसंत कुमार का अपने भांजों से और अपने जीजा से कुछ 50,000 से 1 लाख रुपए की लेन देन को लेकर के घरेलू कलह चल रहा था। इसी घरेलू कलह में ये घटना कारित की गई है। इसमें भांजा जो शिवम है उसके द्वारा ईंट से प्रहार करके गंभीर चोट कारित करना प्रकाश में आया है। मृतक की पत्नी ने 5 लोगों के खिलाफ, जो कि इसके मृतक के 3 भांजे हैं, मृतक का जीजा है और मृतक की ही सगी बहन है, उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। इन 5 में से 4 मुलजिमों को तत्परतापूर्वक हमारी कुरावली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी और इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।